What's going on guys, RG here, मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस लाइंड अप हैं आपके लिए। और गाइज आज हम रिएक्ट करने वाले हैं साडे फेवरेट बब्बू मान साहब थे, तो लेट्स सी बब्बू मान साहब का गाना है रातां दे राही, लेट्स चेक इट आउट। मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ ओल्ड वाइब होगी गाने के अंदर, और वोकैबुलरी तो भर भर के होने वाली है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो, रातां दे राही बाय बब्बू मान। ये कड़ी सिटी है यार, लुकिंग नाइस। ओ फेवरेट ट्रक ड्राइवर वाला सॉन्ग, नाइस। क्या बात है, सड़कां नाल यारी है। सड़कां नाल यारी है, यार म्यूजिक देखना, टिपिकल बब्बू मान फ्लेवर है म्यूजिक के अंदर। यार मैं ना एक चीज थोड़ी जी नोटिस कर रहा है कि रेपिटेटिव शॉट्स लाए गए ने एडिट च, विच इज मतलब वो जनरली नहीं पता लगेगा किसी को, लेकिन थोड़ा मैं पकड़ पा रहा हूँ वो चीज़। तो वो थोड़ी सी मुझे चीज़ और लगी, क्योंकि बब्बू मान साहब का गाना यार इतने बड़े लेजेंड है। व्हेन यू वॉच हिज वीडियोज यू वुड लव टू सी एवरीथिंग न्यू, राइट। 3 बार एक शॉट रिपीट किया गया है, मतलब मैं थोड़ा सा ऑड फील हो रहा है उस चीज़ को लेके, लेकिन कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे बब्बू मान साहब के लिए आते हैं एंड हमेशा देखते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। अरे नाइस यार, वो इमेजिन कर रहे अपने साथ वाले जो उनके साथ कंडक्टर सीट पे है, उनको देख के ही इज इमेजिनिंग इज गर्लफ्रेंड, तो विच इज़ लुकिंग नाइस। बब्बू मान साहब ऐसी कॉमेडी करते हैं कभी कभी, नाइस यार। और बड़ी अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करते हैं हमेशा की तरह। यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि तेरा इश्क इज लाइक नॉट नॉर्मल, ये वो जो खेड हुआ था 84 में वैसा फील होता है, मतलब जो टाइम्स वैसे थे। अब इसके काफ़ी सारे मतलब निकलते हैं, मतलब एक निकलता है कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स लाइक एक और मतलब निकलता है
कि यार डर लगता है, वो चीज़ भी है कि वैसा कुछ ना हो, ठीक है, मतलब बहुत सारे मतलब निकलते हैं, तो जो आपका मन करे आप समझ सकते हो, बट आई लव द वोकैबलरी बब्बू मान साहब हैज़ यूज इन हिज सॉन्ग्स, स्पेसिफिकली पिछले 3 गाने, पहली बार प्रीति, दुख एंड नाउ दिस रातां दराही, देखते हैं दोबारा एक बारी, थोड़ी सी कॉमेडी जो है गाने में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बब्बू मान साहब के म्यूज़िक में ना एक मेरे को वाइब फील आती है, और बहुत से लोगों को लगता है कि ये चीज़ मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि बब्बू मान साहब बॉलीवुड में जाके काम करें, नहीं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मेरे को पता है बब्बू मान साहब ने क्रुक में काम करा है, काफ़ी बॉलीवुड वर्क ही हैज़ डन, मतलब इनका म्यूज़िक वहाँ पर आया है, लेकिन जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक BGM, जैसे आप देखते हो ना मूवी के अंदर प्रॉपर आप एक बैकग्राउंड स्कोर चल रहा होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, मैं उसकी बात करता हूँ, बब्बू मान साहब के म्यूजिक में मुझे वो फील आती है, वो वाइब आती है कि अगर इनका म्यूजिक BGM में यूज हुआ ना कभी, फाड़ देगा, मतलब अलग लेवल। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक पीस आएगा, मतलब थोड़ा अलग फील होता है, लेकिन वो गाना वो इतना स्पॉट ऑन लगे ना किसी भी एक हाई पावर एक्शन मूवी के अंदर, देखना। ये मॉन्टाज का पार्ट हो सकता है ये वाला ना, ये वाला जो म्यूजिक पीस है, किसी भी मॉन्टाज का पास हो पार्ट हो सकता है। मैं सदा दुआ कर दाया तेरी ऊंची शान लई, हाँ उस मोड़ पे आ जा तू एक बारी मान लई। मैं सदा दुआ कर दाया तेरी ऊंची शान लई, उस मोड़ पे आ जा तू एक बारी मान लई। मैं बदली काली वे तेरी चंद दी सवारी, क्या बात है। मानो माना तू ना माना बट बहुत जबरदस्त यार, वन ऑफ द वेरी वेरी लिरिकली सॉलिड ट्रैक आई वुड से, एंड मेरे ख्याल से क्रेडिट्स के अंदर एक गड़बड़ रह गई है, जो उसका टीज़र आया था वो टीज़र का ही क्रेडिट डला रह गया है, वो यूज़ करते हैं पिछले क्रेडिट्स एज इट इज़ हो जाता है। एंड आई थिंक सिंगर लिरिक्स म्यूजिक बब्बू मान, फीमेल लीड इजरित कौर, एंड डायरेक्टेड बाय हार्पर गोहनिया, एंड कैमरा असाइंड बाय सैम बसुल्तिन, ओके, एंड प्रोडक्शन असिस्टेड बाय एली, उसके बाद प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बाय सिने विलेज स्टूडियोज़। भाई बहुत बढ़िया गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो, बिकॉज बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाइंड अप हैं और इसी तरीके से आती रहेंगी बब्बू मान साहब का, अब हम कोई गाना मिस नहीं करने वाले हैं, जड़ा गाना आऊगा बहुत रिएक्शन लेके आवेंगे, तो जिन्हें लगता है कि आते रहने चाहिए देने, लाइक कर दिया करो वीडियो में, शेयर भी कराया करो, तो बब्बू मान साहब को टैग भी कराया करो, तो उन्हें तक पहुँचाया भी करो यार, बड़ा चंगा लगेगा जो मान साहब साड़ी वीडियो देखेंगे, एंड अज तक असी उन्होंने देखते आए हैं, मैं मतलब इतने बैठ के कोई जज नहीं कर रहा, मैं इतने सिर्फ थोड़े नाल बैठ के गाना इंजॉय करदा, जो मेरे मन च गल आती है थोड़े नाल शेयर करदा, कोई जजमेंट नहीं है, बब्बू मान साहब नू जज करन दी औकात मेरी है ही नहीं, ना हो सकती है, मैं सिर्फ गाना सुनदा उरे बैठ के थोड़े नाल, ठीक है, तो सबसक्राइब कर लियो।